कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेडी स्टडी स्टार्ट मैच द फॉलोइंग ये आप खुद से करेंगे कॉन्सेप्ट्स टू नो अकरेंस ऑफ माइक्रोब्स फूड प्रिजर्वेशन नाइट्रोजन साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस नाइट्रोजन फिक्सेशन देर आर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस दीज ऑर्गेनिजम्स डिफर इन साइज एंड शेप सम ऑफ देम आर लार्ज वैल अदर्स आर स्मॉल सम ऑफ देम केन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज दे कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप सच ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स ओके बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आस पास होते हैं ठीक है उनके साइज़ और शेप दोनों अलग होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते कुछ हम खुली आंखों से देख लेते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड माइक्रो बायोलॉजी साइंस में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी

procedure take a few drops of pond water on a slide observe it under the microscope observation microorganisms are seen floating in water and droplet inference microbes are present in the pond water lab activity 2 objective to show microbes in soil materials required beaker soil water and microscope procedure take some soil in a beaker add some water to it and shake let the soil practices settle down observe the drop of water from the beaker under a microscope observation different type of microorganisms are present in soil inference this activity shows that soil contains microorganisms lab activity 3 objective to observe microbes in air material required piece of bread water petri dish slide and microscope procedure Take a piece of bread in a Petri dish, moist it with water and leave it in open air for 1 2 days. Now keep the Petri dish in a warm place for 4 to 5 days. You will observe that the bread piece covered with greyish patches. Now take a small piece of greyish patch and spread it on the slide and observe it under a microscope. Observation Microorganisms are shown in the figure given alongside. आर ऑब्जर्व इन द ब्रेड पीस इन फेर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द एयर एंड द माइक्रो ऑर्गेड ब्रेड मोल्ड ये तीनों एक्टिविटीज आप खुद से करेंगे दीज एक्टिविटी शो दैट दाइक्रो ऑर्गेजम्स आर फाउंड इन एयर वाटर एंड सॉइल ये तीनों एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एयर वाटर और सॉइल हर जगह पाए जाते हैं गेनिज्म आर कोल्ड यूनिसेल्यूलर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स सच माइक्रो ऑर्गेनिजम आर कोल्ड मल्टी सेल्युलर ओके बहुत सारे सेल्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको जो कि सिंगल सेल के होते हैं तो उन्हें हम यूनिसेलर बोलते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दो या उससे ज्यादा सेल से बनते हैं तो उन्हें हम मल्टी बोलते हैं मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स सम ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक ब्रेड एल्कोहल एट्सेट्रा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एंड कोस डिजीजेस फूड एक्सेट्रा ओके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेजम ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही चलती हैं ठीक है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं जिनकी वजह से डिजीजेज होती है और फूड भी खराब होते हैं द फिफ्थ ग्रुप वायरसिस इज ऑल्सो देयर बट इट इज कंसिडर्ड एज नाइदर लिविंग नोर नॉन लिविंग लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ग्रुप इन सम डिटेल ओके फिफ्थ ग्रुप जो है वो वायरस का है वो ना ही लिविंग में आता है ना ही नॉन लिविंग में आता है तो चलिए आइए आगे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर सिंगल कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव अ सेल वॉल बट डो नॉट हैव सेल्युलर स्ट्रक्चर सच एज न्यूक्लियस दैट इज वाई दे आर कोल्ड प्रोकारियोड देखिए बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सिंगल बैक्ट्रन से बनते हैं सिंगल सेल से बनते हैं इसलिए इन्हें यूनि सेलुलर बोलते हैं इनकी सिंगल वोल होती है इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेलुलर होते हैं न्यूक्लियस की तरह इन्हें प्रोकारियोड भी बोला जाता है दे आर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रोड शेप्स बैकिली स्फेरिकल शेप्ड कोकी एंड स्पायरल शेप्ड फंगी आर प्लांट लाइक नॉन ग्रीन और ऑर्गेनिजम्स फाउंड मोस्टली इन वॉर्म एंड मोस्ट प्लेसेस दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे डू नॉट है दस दे केफॉर्म फोर्टोसिंथेसिस फंगी जो है ये प्लांट होता है जो कि नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मोस्टली वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं थ्रेड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं दे आर हेट्रोट्रोफिक सेप्रोफोटिक एंड पैरासिटिकट्रोट्रोफिक सेप्रोफोफाइटिक एंड पैरासिटिक होते हैं फंगी में भी यूनिसेल्युलर लाइक यीस्ट माइलिव एंड मल्टी लाइक पेनीसिलम एंड एस्परगिल्स मल्टी सेलुलर फंगी आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स लाइक हाइफ दे फीड ऑन डिकर्गेनिक मैटर सेप्रोफाइट्स और ऑन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासीटीज देखिए फंगी जो होता है वो यूनिसेन्युलर होता है ठीक है उस कौन कौन से होते हैं पेनीसिलन या फिर एस्परगिलिस ये जो है ये डिकेंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही पाया जाता है ये फंगी जो है ठीक है एलगी सिंगुलर एल्गम एल्गी सिंगुलर एल्गम एल्गी मे बीनिसेलुलर लाइक क्लैमोडोमस एंड मल्टी सेल्युलर लाइक स्पाइरो एंड फ्यूकस दे कंटेन क्लोरोफिल एंड आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड दैट इज दे आर ओटोट्रॉप दे लिव इन मोस्ट प्लेसेस और इन वाटर एलगी जो होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर दोनों होता है ठीक है इसमें क्लोरोफिल होता है और अपना खुद का फूड ये प्रिपेयर कर सकते हैं इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं ठीक है ये मोइस्ट प्लेसेस यानी कि वाटर में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ सिंगलर प्रोटोजोन प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड मोस्टली इन मोइस्ट सराउंडिंग्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड दैट इज दे आर हेटरोट्रॉप्स सम एग्जाम्पल्स आर एमीबा पैरामीशियम ट्रापेनोसोमा गारदिया एंड प्लाजोमोडियम देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं प्रोटोजोआ जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये मॉइस्ट होता है प्लस ये खुद का फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है इसीलिए हेट्रोट्रोप्स में आता है वायरसेस सिंगुलर वायरस वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मच स्मॉलर देन अ बैक्टेरियम ओके वायरस जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा स्मॉल होता है और दे आर रेफर टू एजार्टल सेल्स एज दे लैक सेल्युलर स्ट्रक्चर इन्हें हम पार्टिकल्स बोलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं उसके अलावा ये हमें नहीं दिखाई देंगे ठीक है जिस तरीके से ये देखो वायरसेस दिखाए गए हैं इन्फ्लुएंजा ठीक है ये देखिए बैक्टेरियोफेज

एक्सक्रीट और ग्रो देखिए खुद ग्रो नहीं कर सकते मतलब कि यहां पे लिखा है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मतलब कि खुद की ग्रोथ ग्रोथ ये ये अकेले नहीं कर सकते इनकी तभी होती है जब ये किसी और लिविंग सेल से इंक्लूड होते हैं ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बेस पर डिवाइड किए गए हैं उनके बिहेवियर के बेसिस पर वन है फ्रेंडली और दूसरा है फ्रेंडली माइक्रो यूजफुल टू अस इन मेनी वेज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं कई वेज में जैसे बैक्टीरिया लाइक एशेरिशिया कोली प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन प्रोड्यूस ओके बैक्टीरिया जैसे कि एशेरेशिया कोली जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो हमें वाइटामिन प्रोवाइड करता है सम बैक्टीरिया आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है एसेटोबैक्टर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम फ्रूट जूसेस एंड लैक्टोबैक्सीलस हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क देखिए जो एसेटोबैक्टर है वो विनेगर की प्रोडक्शन करता है फ्रूट जूसेस से और जो लेक्टोबेलिकस है वो कर्ड बना सकते हैं हम मिल्क से ठीक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक रिजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स एंड लेग्यूम्स मेक द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द ब्रेड एल्कोहल ड्रिंक्स एंड अदर बेकरी आइटम्स ड्यू टू फर्मेंटेशन रिजोबियम जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को डिकम्पोजर्स जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को इंक्लूड करता है जैसे कि सॉयल बायोगैस या फिर सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स को यीस्ट यूज किया जाता है ब्रेड एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए या फिर बेकरीज में ओके सम सच एज इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक फॉर मेडिसिन मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है पेनीसिलियम सम फंगी अलोंग विद बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स देखिए कुछ फंगी ऐसा है ऐसे होते हैं जिनको यूज किया जाता है एज बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने के लिए उट ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स इन वाटर एलगी एलगी के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है कुछ एलगी ऐसे है जो एयर प्योरिफाई भी करते हैं शेल्स ऑफ डी एटम्स आर यूज टू मेक ग्लास एंड पोर्सिलेल्स यूज किए जाते हैं डी आइटम्स के ग्लास बनाने के लिए देर आर समाइक ऑटोट्रोफिक

हम दही जमाते हैं मिल्क से मिल्क में मिल्क की हेल्प से हम दही इजिली जमा लेते हैं थोड़ा खट्टा पना उसमें डालना होता है वो लैक्टिक एसिड कहलाता है जो हम डालते हैं जिसकी वजह से दही इजिली जम जाती है एक्टिविटी फोर ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर कट मटीरियल रिक्वायर्ड मिल्क कट बाउल एंड टी स्पून मैग्निफाइंग ग्लास प्रोसीजर टेक अ बाउल एंड फिल इट पार्शली विद वॉर्म मिल्क एड अ टी स्पून ऑफ कट टू इट स्टेर एंड कवर द बाउल एंड लीव इट फॉर

आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज एंड पनीर ओके बैक्टीरिया ये दो बैक्टीरिया बताए गए हैं जो कि पनीर की प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं चीज पनीर लैब एक्टिविटी फाइव ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जर्व द रोल ऑफ यीस्ट इन मेकिंग डो एंड बेकरी आइटम्स मटीरियल्स रिक्वायर्ड मैदा वाटर शुगर ड्राइड ईस्ट पाउडर कप टी स्पून एंड अ लार्ज बाउल प्रोसीजर टेक हाफ कप ऑफ मैदा इन अ लार्ज बाउल Take 1 2 cup of warm water and add 2 3 spoons of sugar and about 1 2 teaspoon of dried yeast powder to it. After 20 25 minutes, knead the maida with the mixture to form a soft dough. Leave the dough covered in a warm place for 1 2 hours. What do you observe? Observation It is observed that the dough raises up and becomes fluffy. Inference डो फॉर बेकरी आइटम्स बिकम्स फ्लफी ड्यू टू द फर्मेंटेशन कोजेस बायटिविटी आप खुद से करेंगे बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई रेस्पिरेशन ऑफ यूस्ट सेल फिल द डो कोजिंग इट टू राइस वेन द डो इज बेक द गैस एस्केप्स मेकिंग द ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है यीस्ट सेल्स में उसके थ्रू कुछ बबल्स पड़ते हैं जब आप यीस्ट को मिलाते हैं किसी भी डो में उसमें कुछ थोड़े 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 आपको बबल्स तो शो होंगे जब आप उसको बेक करते हो तब जाके वो एक फ्लफ़ी ब्रेड निकल के आती है या फिर केक उसको एज अ केक के टेक्चर में भी आप देख सकते हैं ठीक है फूड आइटम्स सच एज इडली डोसा एंड ढोकला आर ऑल्सो प्रिपेर बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया यीस्ट इज एडिड टू द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड डाल एंड इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स दिस मिक्सचर राइज इज द एंड बिकम्स सोर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स ओके यूस्ट या फिर इस तरीके की जो बैक्टीरियाज हैं फूड आइटम जैसे कि इडली डोसा ढोकला हो गया या फिर केक हो गया उनमें यूज किया जाता है ओके okay. commercial use of microorganisms yeast is used in the large scale production of alcohol wine and beer the sugar is converted into alcohol by yeast cell in the absence of oxygen this process is called fermentation in alcohol production yeast is grown on sugars obtained from grains like wheat barley and rice देखिए यहां पे क्लियर बताया गया है सबसे ज्यादा यीस्ट का जो यूज है वो प्रोडक्शन किसके लिए यूज किया जाता है अल्कोहल वाइन एंड बीयर ओके इसकी फर्मेंटेशन के लिए इसको इस पूरे प्रोसेस को जब इसको यूज़ किया जाता है यीस्ट को बियर या फिर वाइन या फिर अल्कोहल बनाने के लिए इसको फर्मेंटेशन बोला जाता है अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है वो यीस्ट ग्रो करती है शुगर जो ऑप्टेंड उसके अंदर होता है हम किससे अल्कोहल या बियर बनाते हैं हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए वीट बाड़े या फिर राइस का यूज़ किया जाता है उनको बिल्कुल सड़ा के तब जाके बियर अल्कोहल ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो एंटीबायोटिक एंड केमिकल और स्टॉप द डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेजम्स बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंटीबायोटिकायोटिको यूज टू चेक माइक्रोबियल इंफेक्शन एनिमल्स एंड क्योर वेरियस प्लाट डिजीज देखिए एंटीबायोटिक्स कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स मतलब के किसी भी डिजीज से क्योर पाने के लिए अगर आप बीमार हैं उस बीमारी से दूर जाने के लिए उन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाई जाती हैं पेनिसिलिन वाज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमिसिन टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन डिजीजेस लाइक कोल्ड एंड फ्लू कोस बाय वायरस आर नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स देखो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था उसका नाम था पेनीसिल उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कोल्ड फ्लू जैसे वायरस जो हो गए वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू क्योर नहीं किए जा सकते हैं वैक्सीन अ वैक्सीन इज अ लाइव और अटेन्युएटेड वीक एंड जर्म दैट कोजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग जर्म देर बाई प्रिवेंटिंग द डिजीज द जर्म एक्ट एट एन antigen vaccines are used to provide immunity against diseases in the living body when it enters our body our body produces antibodies to fight the disease causing germs these antibodies remain in the body and protect it from the future attack of the germs in other words vaccine provide immunity that is the ability of body to fight infections okay वैक्सीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है या वीकनेस आ रही है उस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कोई बीमारी हो रही है उस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती है जब भी हमें वैक्सीन दी जाती है हमारी हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है इसका मतलब ये होता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वो जो जिस चीज़ के लिए हमें दी गई है हमें वो चीज़ दोबारा से नहीं होगी या फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा आ जाएगी हमें हमें एनर्जी रहेगी और हम दोबारा से उसी सेम डिजीज से नहीं गुजरेंगे द कॉमनली वी ओरल पोलियो वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो पोलियो के अगेंस्ट ओ पी वी वैक्सीन यूज की जाती है टी डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनेस अगेंस्ट द स्पेसिफाइड डिजीजेस पर्टुसिस इज ऑल्सो कोल्ड वूपिंग कफ देखिए बाकी ये वैक्सीन्स है जो यूज की जाती हैं बी सी जी बेक्यूल कैमिट गेर अगेंस्ट ट्यूबेकुलसिस देर आर वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट डिजीजेस सच एज मीजल्स कोलेरा टाइफाइड माम्स चिकन पॉक्स एंड सार्स कोविड टू देखिए बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो ये सारी जितनी भी डिजीज हैं इनके अगेंस्ट यूज की, की जाती हैं ठीक है डिजीज सच एज मीजल्स चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स कॉलेरा ट्यूबिकलोसिस एंड हैपेटिटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई दिस मैथड ये जितने डिजीजेज हैं वैक्सीन के थ्रू हमें बचा सकती हैं द मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाई इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इन टू द बॉडी इन ऑर्डर टू क्रिएट रेसिस्टेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी इज नोन एज वैक्सीनेशन जो वैक्सीन हम लेते हैं इंजेक्ट कराते हैं अपनी बॉडी में इस पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है एग्रीकल्चर some bacteria and fungi are decomposers they add nutrients to the soil by breaking down dead plants and animals they can make humus and compost bacteria like rhizobium live in the root nodules and leguminous plant like pea bean and gram they fix atmospheric nitrogen and convert it into soluble nitrates which are usable by the plants and increase fertility okay कुछ इस तरीके के बैक्टर बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होते हैं जिसको हम डिकम्पोज भी बोलते हैं क्योंकि वो कुछ प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं जिनको मार देते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं ठीक है और उसके उनके ब्रेक डाउन की वजह से जो हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं फर्टिलिटी आती है ठीक है सम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स एल्गीटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी चेंज कर सकते हैं क्लीनिंग द एनवायरमेंट due to decomposing action of some bacteria and fungi biodegradable waste are decomposed by them they act on the dead remains and plants and animals and convert them into simple substances these simple substances mix with the soil and are again used by the growing plants the microorganisms thus help in cleaning our environment ओके okay, जितने भी डिकम्पोजर्स है जैसे कि हमने अभी बात करी है कि वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी है जो वो अच्छी हो जाती है तो इसकी वजह से एक जो अच्छी चीज हमारे साथ ये होती है कि इसके साथ साथ हमारा जो एनवायरमेंट है वो डर्टी नहीं होता साथ के साथ क्लीन होता रहता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स दिस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड स्पॉयलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए एनिमल्स के लिए प्लांट्स के लिए सबके लिए हार्मफुल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड स्पॉयलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच माइक्रोब्स आर कोल्ड पैथोजेंस द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर कॉमन कोल्ड वाटर फूड क्लोरा एंड टाइफॉयड और बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन मीजल्स या फिर चिकन पॉक्स देखिए ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें पैथोजेंस बोलते हैं ये डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे कि हम सांस ले रहे हैं अगर हवा में उस चीज़ का बैक्टीरिया है तो वो हमारे सांस के साथ हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं जैसे कि क्या हो सकता है हमें कॉमन कोल्ड हो सकता है कॉलेरा हो सकता है टाइफाइड हो सकता है ठीक है अगर किसी ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आके अगर हमें हो रहा है तो वो मीजल्स या फिर चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं डिजीजेस डेट स्प्रेड फ्राम एन इंफेक्टेड पर्सन टू अल्दी पर्सन आर कोल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजे जो कि एक ह्यूमन टू ह्यूमन होती हैं जैसे कि कोविड एग्जाम्पल ठीक है उसे हम कहते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेस दिस इज वाई वी आर एडवाइज टू कवर आर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग वेन वी स्नीज आर uncovered mouth sprays water droplets in the atmosphere these water droplets carry py pathogens and can cause infections to healthy person around us some communicable diseases are cholera typhoid chicken pox common cold tuberculosis etc when house flies sit on dirt germs stick to their bodies when they sit on the food the germs are transferred to the food when a healthy person eat the food he falls sick on देखिए यहां से देखते हैं जैसे कि कोई भी पर्सन है हमें बोला जाता है हमें बोला जाता है अगर आप छींक रहे हैं खास रहे हैं तो अपने माउथ को कवर्ड रखें अगर आप नहीं रखते तो जो पैथोजेन जैसे पैथोजेंस जैसे बैक्टीरियाज हैं वो एयर में चले जाते हैं जो कि

and transmits to the others is known as a carrier or vectors some common pathogen carriers are female anopheles mosquitoes carries malaria causing protozoa female aedes mosquitoes carries dengue causing virus house fly carries various diseases causing pathogens देखिए जब भी आप खाना खा रहे हैं कोई हाउस फ्लाई है, है मक्खी है बाहर से आ रही है तो वो अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरियास वगैरह लेके आ रही है अगर वो आपके फूड पे बैठ रही है तो वो बैक्टीरिया वहीं पे ड्रॉप करके जा रही है इसलिए अपना खाना हमेशा कवर करके रखना चाहिए और हाउस फ्लाई से दूर रखना चाहिए सेकेंडली जो आपके मॉस्किटोज कुछ फीमेल मॉस्किटोज होती हैं जिसके थ्रू आपको मलेरिया uh, हो सकता है देन एंड्स मॉस्किटोज जो हैं उनके थ्रू uh, हमें डेंगू हो सकता है और हाउस, हाउस फ्लाइज मेनली जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा बीमारी लेके आती हैं जिससे प्रोपैथोग फैलते हैं जनरल अवेयरनेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर हेल्थ कंडीशंस डेट आर नॉट कॉन्टेजियस एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एग्जाम्पल हार्ट डिजीज डायबिटीज देखिए कोई ऐसी डिजीज भी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रिसर्च स्किल्स लोस पेस्चर was the french chemist and microbiologist he developed the first vaccine to fight against diseases caused by microbes some of the earliest vaccines developed were those for rabies and anthrax he also invented the technique of boiling milk to 70 degrees celsius and then suddenly chilling it this stops the growth of bacteria in milk this technique was named after him as the pasteurization first फ्रेंच केमिस्ट या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था लोइस पेस्च्योर उन्होंने पहली वैक्सीन जो थी वो डेवलप की थी अगेंस्ट डिजीजेस कॉज बाय माइक्रोब्स कुछ अर्ली वैक्सीन्स ऐसी भी थी जो बनाई गई थी डिजीज लाइक रेबीज या फिर एंथ्रिक्स उन्होंने जो इन्वेंट किया था एक टेक्निक इन्वेंट की थी मिल्क को बॉयल करना सेवेंटी डिग्री सेल्सियस पर एंड देन सडनली वो ठंडा हो जाता था इसकी वजह से क्या होता था मिल्क में बैक्टीरिया नहीं जाता था और इस टेक्निक को उनके बाद नाम दिया गया पेस्चुराइजेशन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो सब कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स ओके, बाय बैक्टीरिया कॉलरा टाइफाइड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर फूड वाटर हैं, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड मेंटेन गुड सैनिटेशन गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज ओके कॉलरा जो है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वाटर एंड फूड इनसे कैसे बचा जा सकता है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर उबला हुआ पानी पी के टाइफॉइड वाटर के थ्रू होता है एंड देन इसके खाना चाहिए हमें गुड सैनिटेशन रखनी चाहिए और प्रॉपर एज पे वैक्सीनेशन लेनी चाहिए देन एयर कीप द एंड हिज़ पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स एडमिनिस्ट्र बी सीजी वैक्सीन ओके देखिये ट्यूबरकलॉसिस खांसी होती है गले में होता है ट्यूबकलोसिस ये होता है आपको एयर की वजह से जब बैड एयर के जो कुछ पार्टिकल्स है बैक्टीरियाज़ है वो आपकी बॉडी में इन्हील होते हैं तो उसकी वजह से आपको ट्यूबर कलॉसिस हो सकता है तो इसके प्रिवेंटेशंस क्या हैं कि आपको अगर ट्यूबर कलॉसिस है तो आपको आइसोलेटेड रहना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए जिसका नाम है बीसीजी बाय वायरसेस मीजल्स एयर कीप द पेशेंट एंड हिज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स chickenpox air contact get vaccinated polio air water hepatitis a water dengue mosquito drink boiled water get vaccinated do not allow water to collect in the surroundings to prevent breeding of mosquitoes spray kerosene on the surface of water this kills larvae of mosquitoes by blocking oxygen use mosquito nets and repellents ओके okay, देखिए मीजल्स आपको एयर के थ्रू हो सकता है इसके अगर आपको मीजल्स हुआ है तो आपको आइसोलेटेड रहना है आपके आपका जो भी पर्टिकुलर सामान है जो आप एज अ पेशेंट यूज़ कर रहे हैं उन्हें दूसरों से दूर रखना है क्योंकि ये सारी वो वायरसेस हैं जो पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं ओके देन चिकन पॉक्स ओके अगेन किसी को चिकन पॉक्स या उसके कॉन्टेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको चिकन पॉक्स हो सकता है एयर के थ्रू भी आपको चिकन पॉक्स हो सकता है देन पोलियो पोलियो भी सेम है एयर या फिर वाटर के थ्रू हो सकता है हेपेटिटिस वाटर से होता है डेंगू मॉस्किटो से होता है तो ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका जिनका प्रिवेंटेशन यही है कि आपको पर्सनल आर्टिकल्स को प्राइवेट रखना है खुद को आइसोलॉट आइसोलेटेड रखना है देन वैक्सीन टाइम पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉयल्ड वाटर पीना है अगेन दूसरों को अलाउड नहीं करना खुद के कॉन्टैक्ट में आने से एंड देन कैरोसिन स्पेशली डेंगू डेंगू जिस मॉस्किटो से होते हैं उन मॉस्किटोज को पैदा जो मॉस्किटोज हो गए हैं उनको रोकने के लिए जिस पानी से मॉस्किटोज पैदा होते हैं उन पर कैरोसिन हम स्प्रे कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके जो लारवाए हैं वो डेड हो जाएंगे वहीं पे क्योंकि उनको एयर प्रोवाइड नहीं होगी तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं बाय प्रोटोजोआ मलेरिया मॉस्किटो सेम एज डेंगू मलेरिया हमें मॉस्किटो से होता है जैसे कि डेंगू हमें मॉस्किटो से होता है जो भी प्रिकॉशंस हम डेंगू के टाइम पे यूज करते हैं वो सेम प्रिकॉशंस हम मलेरिया के टाइम पे भी यूज करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स अ लिस्ट ऑफ डिजीज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो ओके वो डिजीजे जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है एनिमल्स को वो लिस्टेड बिलो हैं देखिए कौन कौन सी हैं डिजीज animal affected pathogens anthrax rinderpest cattle bacteria pox cow buffalo sheep goat virus dermatitis goat sheep virus tuberculosis cattle birds bacteria cholera poultry birds bacteria foot and mouth disease cattle virus स्लीपिंग सिकनेस कैटल पिग्स हॉर्सेस प्रोटोजोआ ओके देखिए ये सारी डिजीज़ हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं एनिमल्स जो अफेक्ट होते हैं इन डिजीज से वो इस लिस्ट में लिखे गए हैं और उनके पैथोजेंस क्या क्या हैं किस चीज़ से वो अफेक्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे गए हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स अ लिस्ट ऑफ डिजीज़ कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो some common disease caused by microorganism in plants name of the disease infected plant pathogen transmitted through brown spot rice fungi infected seeds and insects root rot indoor plants fungi infected seeds and insects smut disease maize barley wheat oat sugarcane fungi infected seeds and insects बैक्टीरिया ब्लाइट पोटैटो कॉर्न पीयर एप्पल राइस टोमेटो बैक्टीरिया एयर ओके ये उन डिजीजेस की लिस्ट है जो कि प्लांट्स में पाई जाती हैं प्लांट्स में भी डिजीजेस होती हैं और उनके जो नाम है वो ये लिस्ट में है देन इन्फेक्टेड प्लांट कौन कौन से प्लांट्स इन्फेक्ट होते हैं इन डिजीज से वो ये लिस्ट में है एंड पैथोजन जिसके थ्रू होते हैं वो ये लिस्ट में है और ट्रांसमिट कैसे होते हैं वो इस लिस्ट में है सिट्रस कैंकर ऑरेंज शुगर के लेमन बैक्टीरिया एयर रस्ट ऑफ वीट स्मार्ट वीट फंगी एयर इन्फेक्टेड सीड्स एंड इंसेक्ट्स येलो वेन मोसियक पोटेटो क्लोवर बीट रूट टोमेटो वायरस इंसेक्ट्स एंड एयर ग्रीन रोट बैक्टीरिया राइस एयर लीफ रोल्स ऑल प्लांट वायरस इंसेक्ट्स एंड एयर अगेन ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है आपकी पहले डिजीज है जिन जिन प्लांट्स में पाई जाती हैं जिनके थ्रू होती हैं और किन एरियाज को अफेक्ट करती हैं देन फूड प्रिजर्वेशन फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिक दैट मेक द फूड पॉइजनस सीरियस इलनेस इवन डेथ दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग फूड जो है स्पॉइल हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिस जो कि बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होते हैं उसकी वो अगर फंगी या बैक्टीरिया आप खा लेते हो जो फूड स्पॉइल्ड है उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है नाउ द स्पॉइल्ड फूड हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड द फूड आइटम इज गिविंग बैड ऑर्डर और स्मेल द टेस्ट ऑफ़ द फूड आइटम हैज़ बिकम बैड द कलर ऑफ द फूड आइटम हैज़ चेंज्ड द फूड आइटम हैज़ सम पैचेस ग्रोइंग ऑन इट द फूड आइटम हैज़ बिकमिंग स्टिकी ओके देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि जो फूड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें पता चलेंगे जो फूड आइटम है, वो बैड स्मेल करेगा फूड बैड स्मेल करेगा उसके कलर में कुछ चेंज आपको दिखेगा या फिर उस फूड पे कुछ स्मॉल माइक्रोब्स आपको उगते हुए शो होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स ओके या फिर वो स्टिकी होगा टिक्की होने लगेगा फूड टच करोगे तो स्टिकी तो स्टिकी आपको लगेगा ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको एक फूड में दिखेंगे जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है दस वी नीड टू प्रिजर्व फूड द प्रोसेस बाई विच स्पॉयलेज ऑफ फूड बाई माइक्रो इ इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन ओके हम फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ठीक है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन

फूड में ग्रोथ होने के लिए वो कौन कौन से हैं न्यूट्रिय जो आपको फूड में ही पाए जाते हैं वार्म टेम्परेचर फूड किस वार्म वेम्परेचर में है कितने वार्म वार्मेम्परेचर में है वो हेल्प करता है देन एसिडिक नेचर ऑफ द फूड ठीक है देन मॉइस्चर का प्रेजेंट होना अगर फूड में मॉइस्चर है तो फिर वो भी हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने में देन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन वी कैन प्रिजर्व फूड इन द फॉलोइंग वेज बॉइलिंग बॉयलिंग इनक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ फूड आइटम्स दिस मेक्स द सराउंडिंग अन फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व बाई बॉइलिंग ओके बॉइलिंग हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा फूड प्रिजर्वेशन तो उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं बॉयलिंग से अगर ज़्यादा टेम्परेचर में फूड आइटम्स को बॉयल किया जाए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसे रोक सकते हैं उससे ठीक है जैसे कि मिल्क हो गया या वाटर हो गया उसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम मम्मा कहती हैं ना एक बार दूध को बॉईल कर लिया तो उसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के बाद लेकिन अगर वो रूम टेम्परेचर पे या फिर किचन टेम्परेचर पे ही बाहर है तो उसे दोबारा बॉयल किया जाएगा क्यों किया जाएगा ताकि वो ख़राब okay Pasteurization in 1864 Louis Pasteur discovered that when milk is heated in a temperature of around 70 degrees Celsius for 15 to 20 seconds and then suddenly chilled it is not easily spoiled. The sudden cooling of milk stops the growth of microorganisms present in it. this technique of preserving milk is called pasteurization. मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड अदर सब्सटांसिस लाइक हनी बियर वाइन एंड जूसेज आर ऑल्सो प्रिजर्व बाई दिस मैथड ओके पेस्चराइजेशन हमने ऊपर ही पढ़ा था कि किन्ने उनके डेथ के बाद इसको ये नाम दिया गया था पेस्चराइजेशन इस पूरे मैथड को जिसमें हम मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ये किन्होंने किया था किन के थ्रू अप्लाई किया गया था ये लुइस पेस्टर के द्वारा डिस्कवर किया गया था एटीन सिक्सटी फोर में तो इन्होंने 15 टू 20 सेकंड्स में 70 डिग्री सेल्सियस तक का मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज किया था जो कि फिर सडनली चिल बिल्कुल ठंडे उस पर टेम्परेचर पर आ जाता था इसकी वजह से ये स्टॉप करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिल्क में ग्रो करने से इसी प्रोसीजर के थ्रू हम हनी बियर वाइन और जूसेस को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर addition of salt and sugar in excess slows down the bacterial growth sugar and salt reduce the moisture in food thus inhibiting the growth of food spoiling bacteria jams jellies and sauces are prevented by adding sugar salting is used to preserve pickles amla raw mangoes tamarind meat and fish okay salt or sugar ki help hum काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं किसके थ्रू किससे किससे बचा के रख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसे हम बैक्टीरिया से बचा के रख सकते हैं शुगर से वो आपके आ जाते हैं जैम्स जेलीज़ सॉसेस शुगर ऐड अगर हम उनमें कर दें तो उन्हें हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं देन अगेन सॉल्ट से पिकल्स आमला रो मीट या फिर फिश इन्हें हम सोल्ट से प्रिजर्व कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग फ्रीजिंग रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द फूड आइटम दिस मेक्स द सराउंडिंग अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस प्रोसेस डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग प्रिजर्वेशन बाई फ्रीजिंग इज अफेक्ट फॉर मेनी मंथस एंड इज यूजफुल इन द केस ऑफ मिल्क मीट एंड वेजिटेबल्स देखे फ्रीजिंग से हम अपने घर में जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या मिल्क जो हैं या फिर आप अपने जूसेस ले लीजिए सबको हम फ्रीज़ करते हैं फ्रिज में रखते हैं ना तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग हम उन्हें फ्रीज इसलिए करके रखते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन्हें टच ना कर पाएँ अगर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम के कुछ पार्टिकल्स पाए भी जाते हैं तो फिर वो अगर हम उन्हें फ्रीज करके रखें तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होते प्लस नहीं होते वो बढ़ते नहीं है आगे को इस मेथड के थ्रू यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर। एडिंग ऑयल टू फूड आइटम्स कट द कॉन्टेक्ट ऑफ फूड आइटम फ्रॉम द दिस मेक्स आर द सराउंडिंग अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फोर द फूड आइटम इज प्रव ऑयल इज एडेड टू पिकल्स फॉर द पर्पस ओनली विनेगर इज यूज as a food preservation various food items like fish meat fruits and vegetables are preserved by adding vinegar oil and vinegar ka use karna food ko preserve karne ke liye aapne dekha hoga ghar mein agar parents आपके pickles डाल रहे हैं अचार डाल रहे हैं तो उसमें oil का use करते हैं उसका purpose ही ये होता है ताकि जो अचार आप लोगों ने डाला है वो सालों साल चले और ख़राब ना हो Food इस तरीके के जो फूड है एयर कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं उन्हें हम फ्रिज तो कर फ्रिज में रख तो नहीं सकते इसलिए हम उन्हें उनमें इस तरीके के सब्सटेंसेस ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो जैसे कि विनेगर हो गया या फिर ऑयल हो गया ओके सन ड्राइंग लिविंग फूड आइटम्स अंडर द सन रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड आइटम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्लाइसड एंड लेफ्ट अंडर द सन फॉर ड्राइंग द ड्राइड स्लाइसिज़ कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओके देखिए सन ड्राइंग सन के नीचे सन जो धूप आती है उसके नीचे एंड फ्रूट्स uh, या फिर वेजिटेबल्स को रखना कट करके पीसीज में अगर हम ऐसे करते हैं तो जो फ्रेश फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं लेकिन जिन फ्रूट्स को हमने कट करके सन ड्राई किया है वो वाले फ्रूट्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे ओके okay? यूज ऑफ़ केमिकल प्रमिकल्स फूड प्रिजर्वेटिव आर एडिड टू फूड आइटम्स टू मेक दम लास्ट लॉन्गर कैमिकल्स विच हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव ओके देखिए यूज़ करना फूड को प्रिजर्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जो आपके पैक्ड फूड्स आते हैं स्पेशली कौन से हो गए कैचअ हो गए जैम्स या फिर जेलिस इस, इस तरीके के फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जिनका नाम है बेंजॉइड पोटेशियम मेटाबिसल्फाइट ओके वैक्यूम पैकेजिंग मोस्ट मोस्टनेक्स लाइक पोटैटो चिप्स एंड कुरकुरे आर पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट्स द एयर फ्रॉम दीज पैकेट्स इज रिमूव बाय इवैक्यूएशन एंड फिल्ड बाय ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन ओके आप जो भी चिप्स खाते हैं कुरकुरे खाते हैं डोरेटोस वगैरह जो भी खाते हैं आप पैकेजिंग जिस चीज़ की भी लेकर आते हैं उसको आपको पता है कि वो एयर से फिल रहता है उसका उसको एयर से फिल करने का जो मकसद है वो यही है ताकि जो फूड है अंदर वो ख़राब ना हो तो उसमें एयर नहीं भरी जाती हम बोलते हैं ना हवा भरी है उसमें एयर नहीं होती उसमें ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन फिल किया जाता है जिसकी वजह से फूड प्रिजर्व रहता है कैनिंग फूड आइटम्स आर पैक्ड इन कैंस विच आर सील्ड एंड हीटेड टू 120 ट्वेंटी डिग्री सेल्शियस टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि कैंस में भी पैक किए जाते हैं फिल किए जाते हैं इसीलिए ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को डिस्ट्रॉय ना कर सकें उन्हें हीट भी किया जाता है 120 ट्वेंटी डिग्री सेल्शियस पे एडवाटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन

ऑफ सीजन फूड्स अवेलेबल होते हैं देन आप जो फ़ूड को बचा के रखते हो उसकी स्टोरेज ज़्यादा पीरियड तक चलती है और जो बचा हुआ फूड होता है वो डिस्टेंस प्लेसेस पे पहुंच सकता है ओके okay? ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं एनवायरमेंट लिटरेसी एंड रिसर्च स्किल्स सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस फॉर विच वैक्सीन आर अवेलेबल आर कॉलेरा ट्यूबकोलोसिक्स पोक्स हैपेटिट्स एसेट्रा एडवजेनर डेवलप द वैक्सीन फॉर सम पोक्स इन सेवनटीन

पोक्स को स्मॉल पोक्स को इराडिकेट करती है जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है बहुत सारे वर्ल्ड के प्लेसेस में ओके ये जो वैक्सीन है ये यूजफुल है कुछ डिजीज़ के लिए जैसे कि कॉलेरा ट्यूबरकुलोसिस, पोक्स हेपेटाइट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रियट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स नॉट ओनली एयर बट वाइटमिनस क्लोरोफिल यूरिया एट्सेट्रा ऑल आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन However the nitrogen available in its present form cannot be used by the living organism this atmospheric nitrogen needs to be converted into usable form like nitrates and nitrites the process of fixation of atmospheric nitrogen into suitable form that plants can utilize is called nitrogen fixation there are two ways of nitrogen fixation दीज आर एज फोलोज ओके नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे लिविंग बिंग्स के लिए ये सिर्फ एयर वाइटमिन्स क्लोरोफिल यूरिया इन सब में होता ही नहीं है बट जो भी नाइट्रोजन इनमें प्रजेंट रहता है वो सिर्फ तभी यूजफुल होता है जब वो कन्वर्ट हो जाता है इन टू नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रीट्स इस पूरे प्रोसेस को इस कन्वर्टेशन के प्रो, प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके टू वेज होते हैं जो कि एज फॉलोज है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट रिजोबियम बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेजिमिनस प्लांट्स सच एस पीस बीन्स ग्राम्स एक्सेट्रा एंड फिक्सिस नाइट्रोजन दिस मीन्स दैट रिजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स सो दैट प्लांट्स कैन यूटिलाइज इट ओके हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिजोबियम बैक्टीरियम के बारे में ये किस किन प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है वो है बीस पीस या फिर ग्राम्स ठीक है इसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड जैन उसमें कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्रेट्स में इसी की वजह से ये प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं नाइट्रोजन को देन during lightning nitrogen fixation also takes place during lightning while lightning strikes nitrogen and oxygen present in the air react to form nitric acid which is washed down with the rain this nitric acid reacts with limestone present in the soil to form nitrates which are used by the plants okay nitrogen fixation jo hai प्लेस लेता है कब जब लाइटनिंग हो रही होती है लाइटनिंग के टाइम पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है देन रेन की वजह से वो जो भी न्यूट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है वो वॉश डाउन होकर सॉइल में चला जाता है देन वो सॉइल में जाने के बाद लाइम से कॉन्टैक्ट करता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं नाइट्रेट्स फॉर्म होते हैं प्लांट्स में और वो प्लांट्स यूज करते हैं थ्रू देयर रूट्स नाइट्रोजन साइकिल द साइकिल ऑफ इवेंट्स बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू सोइल एंड देन इट रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल ओके एटमोसफेयर नाइट्रोजन जो कि प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी एयर में वो आपको सॉइल में जाता है सॉइल में जाने के बाद जब दोबारा वो एयर में आता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर रिमेंस कॉन्स्टेंट जस्ट लाइक वाटर साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन एटमोसफेयर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल आर नाइट्रोजन जो एटमोस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है उसकी वैल्यू कॉन्सटेंट रहती है ओके okay? जो जैसे कि वाटर साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है एटमोसफेयर में वैसे ही वो भी कांस्टेंट रहता है ओके इसके कुछ स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल के जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स हमें हमने अभी पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो नाइट्रिक बन करके प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? मोनिफिकेशन इट इज द प्रोसेस बाई विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन डेड एंडेग मैटर एंड प्रोड्यूस एमोनिया एमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ज्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड एमोनियो एसिड प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर ओके देखिए अमोनिफिकेशन क्या होता है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं एमोनिफिकेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पर और प्रोड्यूस करते हैं एमोनिया ठीक है एमोनिया प्रोड्यूस होता है प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन पे एमोनियो एसिड्स के ब्रेकडाउन पे जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं डेड एंड डिकंग प्लांट्स पे न्यूट्रिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच एमोनिया प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स एंड न्यूट्रेट्स देखिए न्यूट्रिफिकेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें एमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है जब

डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजस कंपाउंड्स में और फिर वो इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में जो कि एयर में कहीं ना कहीं एस्केप हो जाता है नाइट्रोजन हमको किसी को नहीं दिखता तो इट इज एस्केप्ड इन द एयर देन इस वे में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है रीसाइकिल होता है मोर और लेस कॉन्टेंट में आता है एयर के ओके okay, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं रीड एट अ ग्लैंस microorganisms present in soil water air and even inside our body there are five major groups of microorganisms bacteria algae fungi protozoa and virus virus are the smallest or all microorganisms they help in fermentation and decomposition viruses through at the borderline of the living and the non-living world are also considered microbes Microorganisms are divided into two classes based on the behavior friendly microorganisms and harmful microorganisms. Useful microorganisms help in the preparation of curd, bread, and cheese, in the commercial production of alcohol, wine, beer, in making medicines and vaccines in agriculture, and the cleaning of the environment. Some microorganisms are useful for commercial production of food alcohol acids medicines biogas and manure some microorganisms are used to make antibiotic to kill other harmful organisms in our body harmful microorganisms cause diseases in humans animals and plants microorganisms spoil food and cause food poisoning food can be preserved by killing in microorganisms or stopping from their growing this prevents spoilage of food Diseases causing microbes are called pathogens. Commercial diseases may be transferred through air, water, food, direct blood or sexual contact by the vectors. Non-communicable diseases are health conditions that are not contagious and cannot be transmitted, transmitted from person to person example heart diseases, diabetes. Some of the methods of food preservation are boiling, refrigerating and freezing pasteurization adding salt or sugar use of chemical preservatives cannings and vacuum packagings rhizobium bacteria present in the roots and leguminous plants fix atmospheric nitrogen into nitrates thereby increasing the fertility of the soil nitrogen is an important nutrient from all living organisms nitrogen cycle involves nitrogen fixation ammonification nitrification and denitrification key terms to know unicellular organisms made up of only single cell multicellular organisms made up of more than one cell pathogens microorganisms that causes diseases cyst hard outer covering of microorganisms during the unfavorable conditions microorganisms tiny organisms that are not visible in the naked eyes microbiology the branch of science which deals with the study of microorganisms. Antibiotics, special substances that stop or kill the growth of microorganisms. Fermentation, the process of conversion of sugar into soil in the absence of oxygen. Food poisoning, contamination of food by microorganisms, consumption of this food by living organisms. Food preservation. The process by which spoilage of food by microorganisms is prevented, pasteurization, technique of milk preservation by heating to 70 degree and then suddenly chilling it. Salting, adding salt to food items to preserve them from a longer period of time. Dehydration, leaving food items under sun to remove moisture. Preservatives, chemicals which help in preservation of food. Nitrogen fixation. The process of fixation and atmospheric nitrogen into suitable forms. Ammonification, process by which microorganisms act on dead and decaying matter and produce ammonia. Nitrification, process in which ammonia produced is converted into nitrates or nitrites. Denitrification, process in which bacteria act on nitrogen compounds present in soil to break down into nitrogen and nitrogen oxides. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे